समस्या पानी का थी कि बहुत दूर पानी पे थी, पानी बगैर छछन रहे लोग, बहुत थी मैंने 8 महीने पहले टंकी बन गए, उसका बाद कोई आए देख के किया नहीं बना आज तक ले। नमस्कार साथियों, मैं सरोज कुमार रवानी और आप देख रहे हैं इंडियन हेड, और आज हमें जिला चतरा प्रखंड कान्हा चट्टी ग्राम पंचायत बेंगो कला के ग्राम चोर टार के गंजू टोला में, जहाँ 40 घरों के लोग पानी की समस्या से परेशान है। इस गांव में मुख्यमंत्री नल जल योजना के तहत 3 लाख रुपए की लागत से सोलर पैनल का निर्माण किया गया था, जो पिछले 8 महीने से खराब हो जाने के कारण गांव में पानी की समस्या है। आइए देखते हैं ग्राम चोर टाण से एक रिपोर्ट। समस्या ही है कि यहाँ के पानी प्रॉब्लम है, खेत में कुआं रहता है, बहुत पानी गंदा हो जाता है, और नल बनेगा तो अच्छा रहेगा। और 4 बार पानी लाते हैं, वही उसी में कपड़ा धोते हैं, उसी में खाना बनाते हैं, उसी में बच्चा के पढ़ाते हैं, नहाते हैं। और कितना दिन से नल खराब है? 8 महीना से नल खराब हो गया है। कितना लोगों को पानी का समस्या है? यहाँ 40 घर के पानी के प्रॉब्लम है। तो आप लोगों को पानी का दिक्कत है, तो बहुत परेशानी हो रहा है? बहुत परेशानी हो रहा है। अब पानी कहाँ से पीते हैं? पानी कुआं से पीते हैं, आधा किलोमीटर जाते हैं। नल खराब है तो आप लोग इसकी सूचना किसी को दिए थे? हाँ दिए थे। तो नहीं बना है? नहीं बना। समस्या यही है सर के, बोल चापाकल के भी सुविधा है, चापाकल भी बिगड़ गया है, नल भी बिगड़ गया है, तो पानी बहुत दिक्कत हो रहा है। तो जाते हैं कुआं पर पानी लाने के लिए, यारी यारी भूल के तो फिर गिर पड़ जाएंगे, तो दिक्कत है ना, तो पानी की जरूरत है। कितना दिन से नल खराब है? नल खराब है लगभग 8-9 महीना हो गया है। नल खराब है तो आप लोग इसकी सूचना किसी को दिए थे? सूचना दिए हैं बहुत, लेकिन नहीं बन रहा है, तो क्या करें हम लोग। आप दिन भर में कितना पानी लाते हैं? दिन भर में पानी लाते हैं कि वही 3-4 बार लाते हैं, 6 बार जैसा घर में खर्चा पानी होता है वैसा पानी तो डबले ढोते हैं। आप लोग कितना परिवार है? आप लोग परिवार तो है तो 6 गो। तो गांव में कितने लोगों का पानी का समस्या है? यहाँ तो गांव ने तो यहाँ 45 घर के पानी के बहुत दिक्कत है। तो आप क्या चाहते हैं? पानी चाहते हैं, और क्या चाहते हैं, पानी हमको चाहिए। मैंने इस समस्या के समाधान के लिए समुदाय के साथ बैठक कर एक आवेदन बनाया और पीएचडी विभाग के जूनियर इंजीनियर से मिलकर समस्या पर बातचीत किए और आवेदन दिए, तो उन्होंने कहा कि इस समस्या का समाधान जल्द ही करने का प्रयास करूँगा। अगर आप लोगों के पास इस समस्या का समाधान करने के लिए कोई तरकीब है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मैं जल्द ही इस पर बदलाव लाकर आप सबों को अपडेट करूंगा। मैं सरोज कुमार रवानी, झारखंड चतरा से, इंडिया अनहर्ड के लिए।